व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, इट्स योर बॉय एलन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम व्लॉग। मतलब आज है कम व्लॉग, तो बेसिकली सच्ची में कम व्लॉग हो गया। एक साल के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी वो थोड़ा पीछे का जाता है मतलब तुम लोग। तो बहुत रीज़न है वीडियो बनाने के विषय, और एक साल मैंने क्यों लिया वो मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा। तो आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं बहुत लेट उठा, वैसे मैं बहुत लेट उठता हूँ। तो अभी मैं बच्चे को थोड़ा चाय पानी बना रहा हूँ, ठीक है। तो चाय बना के अभी हम यहाँ से निकल रहे घूमने के लिए। तो हम घूमने जा रहे हैं, लंदन में एक बहुत फेमस बीच है, तो बीच का नाम है डडल डोर बोलते हैं बहुत लोग, बहुत अलग नाम बोलते हैं, तो मेन तो उसका नाम डडल डोर है। तो आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत इमेज में, यहाँ पे साइड पे दिखाता हूँ, एक गाँव से पहाड़ टाइप का बना हुआ एक है बीच है, बहुत मस्त फेमस बीच है वहाँ का। वहाँ पर घूमने जा रहे हैं मेरे दोस्त लोग के साथ। तो चलो आज लंदन दिखाया जाए तुमको, थोड़ा लंदन के बाहर दिखाया जाए, फिर धीरे धीरे मैं ब्लॉग चालू करूँगा। तो तुमको रास्ते में बात करते हुए जाता हूँ, क्योंकि वो नहीं कर रहा था घर में, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि सब लोग सो रहे घर के अंदर। तो अभी बाहर जाता हूँ, सब एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ, और बहुत हवा और ठंडी है, दिखा जाए आज का वेदर क्या जाता है क्या नहीं जाता। चलो रेडी होकर निकलने की तैयारी में, हवा बहुत है आज, बस वेदर कहीं ना बिगड़ जाए वो चीज़ में मैं निकल रहा हूँ। तो एक ये मेरी कैमरे की बैग है जिसमें मैं अपना सोनी लेके जा रहा हूँ, वो मेरे काम का है जो मैं काम पर यूज़ करता हूँ। तो एक मेरे कपड़े की बैग ली है मैंने, मेरे कपड़े वगैरह जो है एक्स्ट्रा में रखे हुए। तो अभी मैं ये पहन के जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे जाके चेंज करूँगा 200 रुपये के। ठंडी बहुत है आज, ठंडी मतलब हवा बहुत है, तो 20 डिग्री का है टेम्परेचर, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर दिया मेरे को। और सुबह सुबह ही हमारी नाक में से बहती गंगा चालू हो गई सर्दी के कारण। तो रास्ते का व्यू देखिए थोड़ा आप, तो मैं घर पहुँच उसके तो घर पहुँच जाता थोड़ी देर में। बहुत दोस्त लोगों ने कहा मेरे कि साले तो यूके में रहता है, कभी दिखाया तो कर तो देख लो भाई, यूके यहाँ पे ऐसे ही घर होते, बिल्डिंगें बहुत कम दिखेगी, ऐसे घर रहते जैसे ना 5-5, 6-6 रूम रहते थे, तो इसके अंदर ही तुमको रहना है, और फिर तुम रेंट पर ले लो, अपना ले लो, पैसे तो ले लो, कोई टेंशन नहीं है। रेंट भी महंगा पड़ जाता है इंडिया के हिसाब से, तुम रेंट काउंट करो कुछ 1500 पाउंड। तो मेरा मैथ्स ख़राब है, तो भी अप्रॉक्स आपको 1,40,000 तक भाड़ा मिलता है महीने का, यहाँ की इनकम भी उतनी अच्छी रहती है ना। फिर मतलब पाउंड है, एक पाउंड इज इक्वल टू 98 पेंस। जैसे आप देख सकते हो ऐसे लाइन से लोग घर रहते हैं, ये दो घर है बाजू में, दो घर उसके बाजू में, दो घर ऊपर, अभी भी चिमनियाँ लगी है, अभी तो यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ किया करते थे लोग, अभी बंद हो गई है इसका यूज़। सामने बिल्डिंगें बन रही है, यहाँ के बेहतर का आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना यहाँ पे एक यूके का स्लोगन है WWW, वर्क वाइफ वेदर, कभी भी धोखा दे सकती है। हाँ ये बात सच है, बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो जूनियर लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं, अपने इंडियन से भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको हर मतलब हर प्रजाति के लोग देखने मिलेंगे, और मेजोरिटी आपको यहाँ पे अगर एशियन में जाओगे आप तो आपको पंजाबी दिखेंगे, अगर मैं प्रॉपर जो है ऐसे एरिया टाइप में उसमें जाऊंगा तो फिर उसके बाद आपको गुजराती भी दिखेंगे। जैसे आप गुजरात में चले जाओ तो वैसे यहाँ पे वेमली करके एक जगह है, बहुत सारे पिक्चरों में दिखाई गई है वो जगह, वेमली स्टेडियम वगैरह वो की जगह है वो है। बहुत टाइम बाद फोन पकड़ रख से थोड़ा जम नहीं जा रहा, हाथ बहुत अकड़ गए, बॉडी बढ़ गई है, वजन बढ़ गया इसलिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि लोग तुमको कुछ बोले कि कुछ करेगा, नहीं भाई यहाँ पे ऐसा है कि किसी का घर तुमने दिखा दिया या किसी को चंद ने बोला कि मेरे को ये चीज़ मत दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ, तुम मत दिखाओ, तो फिर वो लोग ऑफेंसिव हो जाते, फिर समझ सकते हो तुम क्या होता उसके बाद। तो यहाँ पे ऐसा ही है, और यूके की खास बात ये है कि यहाँ की क्लीननेस माशाल्लाह, रास्ते तो एकदम माशाल्लाह, मैं तुमको दिखाता हूँ एक मिनट, वो तो घर बन रहा है, क्या है क्लीन रहते रास्ते। जैसे क्या देखते, तो ये पार्किंग की लाइन बनाई है, उसमें आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, हमारे साथ टिकट लग गए 80 रुपये पाउंड की तुमको। तो मैं जरा एक साल से बिजी था अपना सब सेट करने में, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया सब करते करते, और लग जाता है यूके में आने के बाद तुमको 6-7 महीने, एक साल तो पकड़ ही, क्योंकि आते तुमको तुरंत काम नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है काम मिलने को, सेटल होने को टाइम निकल जाता है। तो बस यही हुआ है अभी, अभी थोड़ा बहुत हम लोग लाइन पर आए हैं गाड़ी, अभी धीरे धीरे करके ब्लॉग चालू हुआ वापस, जिसमें मैंने ब्लॉग पे थोड़ा पॉज दिया था।
कि मैं थोड़ा अपना खुद का टाइम ले सकूँ और खुद को सुन सकूँ सकते हो। क्योंकि मैं वेदर आज बहुत ही क्लास है रहता है, ऐसा कुछ भरोसा नहीं है। जैसे बादल दिख रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते कि ये भी बारिश आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है तो हम लोग को प्लेन तो आम ही दिखते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कानों में दम करके रखा है। तो ये जो पार्किंग है ये है ट्यूब स्टेशन। ट्यूब स्टेशन मतलब यहाँ पर जो ट्रेन रहती है उसको ट्यूब स्टेशन बोला जाता है। और यहाँ की ट्रेनें थोड़ी अलग है, जैसे कि आप ब्लू कलर का शेड दिख रहे हो वही अभी उसके पास से निकलूँगा मैं थोड़ा, तो दिखाता हूँ आपको। थक जाता है यार, अभी मैं कितना चला पता है यार। मेरा शांतिनगर का घर है जो शांतिनगर स्कूल से कैसे रहता तक मैं अभी तक चल के आया हूँ। बस में जा सकता हूँ पर 1.50 चार्ज लगता है बस में, ही वेस्ट करना है। तो ये जैसे कि सब शॉप्स यहाँ पे ऑफलाइन शॉप्स रहती है, ये भी आपको मैं इन फ्यूचर दिखाऊंगा तो क्या रहती है क्यों रहती है। तो हम पहुँच गए, दो मिनट रुके जाकर मैं जरा दो स्क्वायर पे जाता हूँ और थोड़ा बहुत सब सेट करके तुमको वापस मिलता हूँ मैं। ओह दो मिनट में वेदर पलट जाता है यहाँ पे, देखो ये देखो ये देखो वेदर देखो, फर्क देखो खाली इतना। बोल बोल मिनी बस चलो, आज तो फुल टिक टॉक। अभी चलो निकलने की तैयारी करेंगे, वो जाएगी थोड़ा अभी सामान वामान रख दिया अंदर, वहाँ जाके बताया जाएगा कि क्या सीनरी है और क्या करने वाले हैं, इनको भी नहीं पता। अभी जाते देखते हैं, 3.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो समझ लो यहाँ मुंबई से तुम पुणे जा रहे हो, पुणे तो 4-4.5 घंटे का, उसके बीच में किधर। तो अभी निकलते क्योंकि इसलिए उन्होंने बस करनी पड़ी, तो ट्रेन में जाने का था। फिर बस में जाते मजे लेते और फिर एक नंबर आगे और दिखाता हूँ। पेट्रोल पंप पे रुके तो ये देख लो फ्यूल फ्यूल भराते तो थोड़ा आगे आगे करके निकलते। तो लोग कैश निकाल रहे अंदर का निकाल दिखाता हूँ भाई, 18+ कंटेंट कुछ नहीं। ट्रंच है वाह, आशीष कॉफी लेता मेरे लिए तो भाई हॉट चॉकलेट, तो कोल्ड चॉकलेट ले। पब्लिक को दिखाते हैं अपन चार वक्त कैसे पीते इधर लगा है मशीन में, देखते हैं रुक जाएगी कौन सी पीनी। मेरे लिए तो निकल हॉट चॉकलेट श्योर। टॉल 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 है क्या ये, तो टॉल का शॉर्ट है ये, तू 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 प्लीज पे एट द टिल। ओके हॉट चॉकलेट दबा जोर से दबा, अरे पे करना पड़ेगा। नहीं 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 ना रोक, ग्रेड पकड़ ले ले। मेक माय ड्रिंक कोल्ड कॉफी ले, कोई कॉफी ले हमारी हॉट कॉफी जा, हॉट चॉकलेट। हाँ हॉट चॉकलेट चल, उतना पाउंड पे कर पाएगा लेकर। वहाँ फालूदा या कोल्ड कॉफी? हाँ कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी फालूदा फालूदा। अबे चल गए क्यों? उसने खाए पीना है वहां में। चलो भाई कॉफी ले ली, ये यहाँ पे सब नॉर्मल है वगैरह वगैरह सब नॉर्मल। जैसा लोगों ने देखा कॉफी मशीन मेकर में ऐसे कॉफी बन जाती है, ये 290 की हम लोग ने फुल थी, हम लोग ने हाफ फिलअप कर ली मेरे दोस्त ने। तो अभी ये मतलब पहला ब्रेक नहीं होता खाली, ये पेट्रोल भराने के लिए रुके डायरेक्ट यहाँ से रुके कि लोग सर्विस लेन। सर्विस लेन क्या होती है बेसिकली, वो जगह ऐसी रहती है जब तुम खड़े रहे जहाँ पे अपना आई डी रहेगा, स्टारबक्स रहेगा, KFC हर चीज़ रहेगी, तुमको मैं दिखाऊंगा आगे जाके। तो चलो बस के अंदर जाते, पहले तो फॉलो करते लोग सोचते थे कि एलिन की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अभी मैं कैमरा से नहीं कर रहा, फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम हो गया, एक साल के बाद में समझ लो ना मैं फ़ोन पकड़ रहा हूँ यार। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ऊपर नीचे हो जाए तो घर वाले को माफ़ कर लेना, बड़े टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ ऐसे फ़ोन पकड़ के ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये होते हैं बेसिकली पेट्रोल पंप है हमारा, देख लो कितना राइस पेट्रोल पंप है।
तो बस अभी निकल रहा हूँ। तो पहले ही मैंने बोल दिया था यहाँ के वेदर का कुछ भरोसा नहीं कर सकते, जैसे तो बादल बादल आ गए, पहले ही बोल दिया था मैंने। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट में बता दिया कि 30% क्लाउडी और चांस ऑफ लाइट रेन। अगर बारिश हुई तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बारिश नहीं होनी चाहिए। और जो मुझे इंडिया से फॉलो करता है वो लोग को पता है अपन है कॉमेडी यार, अपन ब्लॉग सीधा साधा रखना है। और थोड़ी बहुत अगर गाली गलौज हो जाए तो थोड़ा माफ़ कर देना हमको, तब बड़े लोग थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाते हैं, तो थोड़ा एज रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा मैं, तो पहले ईयरफोन लगा लेना। तो चलो चलते भी धीरे धीरे करके, 3.5 घंटे रास्ता, तो पूरा रास्ता नहीं दिखाऊंगा मैं डायरेक्ट, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत टाइम लेस दूंगा और डायरेक्ट उनको फिर अभी पहुँच के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी 3.5 घंटे तो टाइम पास नहीं होगा। उधर उतर के आप लोग को मिला जाए। चलो एक और ब्रेक के लिए रुके थे, थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच लिया हम लोग ने, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से भी, 2 मिनट का ब्रेक था खाली। चलो अभी निकला जाए, अभी इधर पहुँचते हैं। चलो पार्किंग में अभी हम लोग कोच पार्क कर रहे हैं, जैसे देख सकते हैं कपड़े चेंज कर रहे हैं, बोले तो स्टेशन पर जाते जाके दिखा दो, मैं देखते बैक कैमरा करके दिखा दो। जिसको आना है यहाँ पे उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि डिपेंड आप कितने लोगों का कार भी बुक कर सकते हो, कोच भी बुक कर सकते हो, कोच वाले का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके साथ बात करके कर सकते हो, वो रेगुलरली आ रहे थे। तो कोच बुक करके ड्राइवर को पता है आप यहाँ पर, मेरे को यहाँ से और 45 मिनट की वॉक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ जो ऐसे रहेगा वो लेके जाओ। ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, तो जो एक्स्ट्रा था वो खा लिया अभी, उतरे गए हम लोग नीचे, चिकन बर्गर खाए, खा नहीं सकते बस, कंटेंट इज कंटेंट। हम उतरे गए जाते नीचे, अभी चलो मिलता हूँ नीचे जाके। बहुत ही ज्यादा हुआ ओपी गाइस, कॉपीराइट आने वाला है भाई। एक नंबर फुल, एक नंबर लोकेशन है, देख लो तुम लोग, ब्लू ब्लू पानी जरा, वो सोचा था जिंदगी में वैसे पानी है भाई। एंटर ना के अभी देखे वो तुम्हारे मजे किए मैंने, और ये मेरा कैमरा, अभी फोटो खिंचाओ
तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैंने कैसे फोटो खींचे, हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पे। बराबर पीछे वो लोग मेरे दोस्तों पागलों के नाच रहे, तो गाइस मजे लो, क्या व्यू है। और फिर उनको कैमरे के शॉट से मैं व्यू भी दिखा दूँ, क्योंकि कुछ याद नहीं है, तो बस उन लोग की दुआ थी यहाँ पे पहुँच गया। क्या व्यू है यहाँ, ठंडी है, गलत टाइम पे आ गए हम लोग यहाँ पे, और बहुत बड़ी ठंडी चल रही है, तो ज़रा मैं धूप में से सड़क साइड में आया हूँ, धूप भी है ऊपर से प्लस वेदर, मुझे लगा धूप रहेगी, पर इन द एंड ऑफ द डे निकल गई। यहाँ पर पहले बोला था कल वर्क वाइफ पहले किसान भरोसा निकलने का हो गए। मेरा फोन स्ट्रगलिंग फॉर फोटोशूट, मेरे फोन में चार्जिंग खत्म है, मैंने पावर बैंक लगाई है जरा, थोड़ा चार्जिंग में दिक्कत हो सकती है, तो जा रहे हैं अभी थोड़ा आगे, तो अच्छी लोकेशन के लिए, अच्छी लोकेशन मिल जाए तो आप वहाँ पर जाकर फोटो खींचे, तो चलो अभी आगे आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ी जगह है ये, तो यहाँ पर मिट्टी भी अच्छी प्रकार की है, और अपनी मुंबई की रहती जैसे रहती नहीं, अलग रहती है, और पानी देखा क्रिस्टल ब्लू शक्ल दिखती है उसको उसके अंदर। आ जाओ आगे चलते हैं। एक ये लोकेशन है, आप जहाँ फोटो खींच सकते हो आप बैठ के आराम से, ओके। एक ये लोकेशन है, एक आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा रख के आप पीछे का बैकग्राउंड ले सकते हो, एक यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा रख के एक पीछे का बैकग्राउंड ले सकते हो। तो बहुत सी जगह आप जो फोटोग्राफर है जो नहीं है उनके लिए मैं गाइड दे दूँगा आप लोग को, तो सॉरी मेरा वीडियो हिलेगा, तो जो वो पोजीशन है वहाँ पे खड़ा रखो, फोटोग्राफर वो साइड से फोटो खींचेगा, तो आप बेसिकली फोटो आएगा ऐसा कि जो पीछे ग्रीनरी वो आपके फोटो में आएगा, आप लास्ट में देख लेंगे मैंने फोटो ऐड करके रखा है उसके अंदर। और आप एक ये लोकेशन आगे वॉल के साथ ले सकते हो, वॉल के साथ नॉर्मली आप कोई भी पोस्ट के साथ फोटो खींच सकते हो, एक आप अगेंस्ट द सन ले सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा रखो और नीचे एंगल से लो अगेंस्ट द सन, बहुत अच्छा आता है, कपल लो गया आप तो अगेंस्ट द सन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी लाइट आती है फेस पे। और एक आप बीच पे ऐसा यहाँ पे खड़ते हैं कि 360 मतलब एक वाइड एंगल एक फोटो ले सकते हो बीच के साथ, बहुत पोजेज है वो आप लोग को डिसाइड करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो बस यहाँ का ब्लॉग अब इसके बाद बस इतना ही है, हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से, तो ठीक है गाइस। सो गाइस बस आज के लिए इतना, तो होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। तो आज का वेदर फ्लक्चुएट है, तो देख के आओ वेदर की अच्छा, एकदम अच्छी खासी गर्मी हो जिसमें 20-30 डिग्री गर्मी हो तो आप यहाँ पे आओ, वैलिड है, बहुत अच्छी जगह ये, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो स्पीकर वगैरह लेके आना, नाच गाओ मस्ती करो अच्छे से, बारबेक्यू अलाउड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मनाया लोग ऊपर मना करके रखा पता नहीं क्यों, तो बारबेक्यू वगैरह मत लेके आना, पर घर पे से मना के आप पे आके लाके सर्व कर सकते हो, और बीच गंदा बिल्कुल मत देना, यहाँ पे आकर लोग बोलेंगे बीच बिल्कुल मत देना, आपसी बात साफ करवाएंगे। तो गाइस आप लोग अच्छा लगेगा, अच्छा है, एक साल बाद ब्लॉग लेके आओ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स लगेगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया ब्लॉग शूट किया, सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत फेस कट गया रहेगा, बहुत कुछ होगा रहेगा, तो बस आप लोग यही चीज़ सपोर्ट करते रहना। अच्छा वीडियो बस इतना ही था, यहाँ से हम लोग खत्म कर लेना, फिर अभी सामान बहुत है तो मैं फिर अभी लेके जाए वहाँ से, मैं घर पर निकल जाऊँगा, तो मैं आप अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि मैं घर पर बैठ के मैं क्या काम कर रहा था कारण से, मैं पूरा अपना सेटअप का वीडियो ये वो फिर और एक्सप्लोर कराऊँगा, तो बस आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं, बाय गाइस, सत श्री अकाल, गेम फोकस ऑल टाइम गुड, क्या मतलब एनर्जी लो हो गया था कि खत्म हो गई बात, 4 बजे सुबह से आए थे हम लोग, चलो गाइस बाय, मिलते हैं, आउट्रो देखना मत, आउट्रो में थोड़ा बहुत
बनाना बाकी है, बना लूँगा फोटो तो ये भी देख लेना इस ट्रिप के सिनेमेटिक शॉट्स का फोटो वगैरह जब मैंने खींचे उससे एक स्लाइड बना के रखा हूँ मैं, तो स्लाइड भी देख लेना कि आप कैसे फोटो खींचते हो, क्या क्या लोकेशन है मैंने बता दिए तुम लोग को वीडियो के अंदर। और ठीक है चलो भाई। You are the one, all that I care for. You're standing strong.